यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं होता, हर आदमी का अपना एक पक्ष होता है। यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता क्योंकि हर आदमी का अपना एक सच होता है। ये विचार है इंडियन सिनेमा के उस एक्टर के जिनको सबसे ज़्यादा शोहरत और पहचान साल 1998 की फिल्म दुश्मन और साल 1999 की फिल्म संघर्ष से मिली। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी की चुनौतियों को कभी संघर्ष नहीं माना और ना ही किसी भी व्यक्ति को अपना दुश्मन। ये मतभेद तो रख सकते हैं पर मन भेद नहीं रख सकते। अध्यात्म से जुड़ाव और जीवन में अपने गुरु को महत्व देते हैं। आज कहानी भूत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान को बड़े ही आनंद से जीने वाले एक्टर आशुतोष राणा की। 10 नवंबर साल 1967 को मध्य प्रदेश के गाडरवारा में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा राम नारायण निखारा। जब 11वीं में पहुंचे तो भगवान शिव के प्रति आस्था बढ़ी और खुद से अपना नाम बदलकर आशुतोष राणा रख लिया। एक्टिंग का शौक था तो सागर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के दौरान वो ड्रामा में भाग लिया करते। एक दिन अपने परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु के कहने पर वो दिल्ली आ गए और साल 1991 में NSD में एडमिशन ले लिया। आशुतोष राणा मानते हैं कि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी चुनौती। वो संघर्ष शब्द से भी इत्तफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति या समाज के काम के लिए अपना खून पसीना बहाऊं, अपना शरीर गलाऊं, तब वो काम संघर्ष की श्रेणी में आता है। खुद के सपनों को पूरा आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। खुद का सपना पूरा करने को किए जाने वाले काम संघर्ष की श्रेणी में नहीं आते। फिर एक दिन अपने गुरु जी के कहने पर वो फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मिले और जिसके बाद उन्हें मिला साल 1995 का TV सीरियल स्वाभिमान। इसके बाद उनका एक्टिंग का सफर चल निकला। आशुतोष राणा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मिलने गया तब मैंने उनके पैर छू लिए। पांव छूते ही महेश भट्ट भड़क उठे क्योंकि उन्हें पैर छूने वाले इंसान पसंद नहीं थे। उन्होंने मुझे सेट से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद भी जब भी आशुतोष राणा महेश भट्ट से मिलते उनके पैर छू लेते। फिर एक दिन महेश भट्ट ने आशुतोष राणा से पूछ ही लिया कि तुम बार बार मेरे पैर क्यों छूते हो। तब आशुतोष राणा ने जवाब देते हुए कहा कि पैर छूना मेरे संस्कार में है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। आशुतोष राणा ने साल 2001 में एक्ट्रेस रेणुका साहणे से शादी की। पहली मुलाकात में रेणुका को देखते ही आशुतोष को प्यार हो गया। एक इंटरव्यू में आशुतोष राणा ने बताया था कि साल 1998 में पहली बार रेणुका से मिला तो मैंने कहा कि हम आपके बड़े प्रशंसक हैं। ये सुनकर वो बेहद खुश हुई। वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे हम करीब आ गए। मैंने ठान लिया था कि मैं रेणुका को आई लव यू कहने को मजबूर कर दूंगा। आशुतोष राणा बताते हैं कि एक दिन मैंने फोन कर रेणुका को एक कविता सुनाई जिसमें इनकार, इकरार, खामोशी, खालीपन और झुकी निगाहें सब कुछ लिख दिया। कविता सुनकर रेणुका ने मुझे आई लव यू कह दिया और मैं भी खुशी से पागल हो गया। तब रेणुका साहणे तलाकशुदा थी। उनकी पहली शादी मराठी थिएटर के डायरेक्टर विजय केनकरे से हुई। रेणुका के मन में शादी को लेकर कुछ असमंजस था लेकिन मुलाकात के करीब 2.5 साल बाद साल 2001 में दोनों ने शादी कर ली। इनके दो बेटे हैं शौर्यमान राणा और सत्येंद्र राणा। आशुतोष राणा को अपनी माँ की याद कभी नहीं आती क्योंकि इसका कारण वो बताते हैं कि वो अपनी माँ को कभी भूले ही नहीं। उनकी माँ उनके साथ हमेशा रहती है, उनके मन में, उनके दिल में। वो कहते हैं कि मुझे जो विचार मिले हैं वो मेरी माँ से मिले और जो साहस मिला है वो मेरे पिता से मिला। इस वजह से मैं बड़े साहस के साथ अपने विचार रखता हूँ। चाहे दुश्मन का गोकुल पंडित हो, संघर्ष का लज्जा शंकर पांडे, फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के कमलजीत प्रताप सिंह हो या फिर मुल्क के संतोष आनंद, भीड़ के इंस्पेक्टर यादव या फिर पठान और टाइगर 3 के कर्नल सुनील लूथरा। आशुतोष राणा ने अपने 27 साल के करियर में हिंदी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और पंजाबी भाषा में कई फिल्में की और उसमें एक से एक बेहतरीन किरदार निभाए। आशुतोष राणा को 2 बार फिल्म फेयर का बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। एक सवाल के जवाब में आशुतोष राणा कहते हैं कि लर्निंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है अनलर्निंग, तभी सीखने की तैयारी होती है। लिख कर मिटाना, मिटा कर लिखना, ये एक सतत प्रक्रिया है।
एक एक्टर के रूप में मैं मानता हूं कि अभिनय की यात्रा बाहरी जगत की यात्रा नहीं होती, ये अंतर जगत की यात्रा होती। मैं कभी भी प्रयास नहीं करता कि मैं किसी किरदार को बनाऊं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद को मिटा दूं। जब खुद का किरदार मिट जाएगा, इसके बाद एक दूसरा किरदार खड़ा होगा। खुद को मिटाने के लिए खुद को जानना होगा और खुद को जानने के लिए खुद के अंदर रहना और उसकी यात्रा करनी होगी। आने वाले वक्त में वो कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वो किताबें पढ़ने के भी शौकीन हैं। मौन मुस्कान की मार और राम राज जैसी किताबों के लेखक भी हैं। आशुतोष राणा जिंदगी के उतार और चढ़ाव से डरते नहीं हैं। वो ऐसा मानते भी हैं कि किसी भी पार्टी या फंक्शन में अकेले जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका शरीर अच्छा चल रहा होता है तो आप भीड़ से घिरे रहते हैं, पर बुरे दौर में लोग आसपास नहीं रहते। आप अकेले रहते हैं तो कोई भाप नहीं पाता कि आप अकेले हैं, और ये आपका अच्छा दौर है या बुरा दौर। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।